हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने दो बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉज पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शंस। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे कभी भी आपको अपने एग्जाम टाइम रिवीजन पर मिस नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एनसीईआरटी व्यू लगा रखा है, सो दैट आप अपनी बुक में भी साथ के साथ मार्क कर सकते हैं और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये टॉपिक हमारी बुक में कहाँ पर है। तो अपनी बुक में मार्क कर लीजिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, एंड दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कहते हैं जितना भी मैटर है संसार का, कोई भी मैटर, कुछ भी चीज सोच लो जो मैटर है, मतलब जिसका मास है और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कोई भी मैटर वो किसका बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिन्हें की नाम दिया गया एटम्स। देन सेकेंड यहाँ पर है हमारे पास, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी ये तो हो गया कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, दैट इज एटम्स। और एटम वर्ड पहली बार किसने दिया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जिस जिसको भी याद है वो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि जो एटम वर्ड है ये किसने प्रपोज किया था। नहीं पता है अगर तो हमारा पिछला वीडियो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि आखिरकार सबसे पहले ये एटम वर्ड दिया किसने। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स इंडिविजिबल हैं। इंडिविजिबल मतलब जिसे फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, मतलब एटम एक छोटा सा पार्ट है, इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते। देखो यहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग अगर समझाऊँ तो, जैसे मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन करेगी, ऑक्सीजन गैस के साथ, और ये हमें क्या बना के देगी, वाटर, दैट इज H2O। अब हम अगर ध्यान से देखोगे, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2 एंड O2 है, ये हमारे रिएक्टेंट्स है, जो H2O हमें मिला है ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हम ध्यान से देखो, जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रखे हैं, इसमें हाइड्रोजन यूज़ हो रखा है, इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रखा है। अब प्रोडक्ट जो बना, प्रोडक्ट में भी आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन। क्या आपके पास रिएक्शन होने के बाद कुछ नया, कोई नया एलिमेंट आया या कोई पुराना एलिमेंट चला गया? नहीं, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स रिएक्शन होने से पहले हैं, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद है। मतलब ना तो कोई नया एलिमेंट यहाँ बना, ना ही कोई पुराना एलिमेंट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ। बस जो उनकी बॉन्डिंग थी, जिस तरीके से वो पहले जुड़े हुए थे, वो बॉन्ड्स टूटकर इनके जुड़ने का तरीका बदल गया कि H2 और O2 से हमें H2O मिल गया। Are you getting the point? लेकिन कोई नया एटम एड ऑन नहीं हो गया या फिर कोई पुराना एटम चला नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहा गया दैट जो एटम्स हैं ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जिन्हें क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एंड दिस इज एज पर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऐसा कहना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का है, ये उसका पोस्टुलेट है। देन इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स की बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम का सोर्स अब कुछ भी हो, मान लो कुछ भी सोर्स है अगर, तो हर एक जो हाइड्रोजन एटम है उसका मास नंबर कितना रहेगा, 1, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 1। जैसी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के एक एटम की है, वैसी ही प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के दूसरे एटम की भी रहेगी। तो इन्होंने कहा किसी एक गिवन एलिमेंट के, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अपने मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आइडेंटिकल रहते हैं।
देन अनदर पॉइंट इसी का ही एक मतलब इसी पॉइंट का भाई है ऐसा मान लो. यहाँ पे कहा गया एटम्स ऑफ डिफरेंट, पहले बोला एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, मतलब अगर हम सेम एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहे हैं तो उनका एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात कर रहे हैं, लाइक हम इन्हीं की बात कर लें, एक हमने ले लिया हाइड्रोजन और दूसरा ले लिया हमने ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, वन एटॉमिक मास यूनिट या वन यू यूनिफाइड मास. और ऑक्सीजन का मास कितना रहता है हमारे पास, 16. क्या इनका मास यहाँ पे मैच हुआ, नहीं होगा भाई, नहीं है ये इक्वल. दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट, सॉरी वो मास जो है वो सेम नहीं होगा, उनका मास जो है वो डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो भी डिफरेंट होगी, ऐसा कहना है चौथे पॉस्टुलेट का. देन पॉस्टुलेट नंबर 5 इज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि जो एटम्स हैं वो छोटे छोटे रेशियोज में, छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए. ये चीज डिटेल में मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के टॉपिक में डिस्कस करी है, लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है, पहले लेक्चर में डिस्कस करी है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लो जाके एक बार, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेकिन यहाँ के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लो कि अब इसी की हम लोग वाटर की ही अगर बात कर रहे हैं, वाटर दैट इज H2O, अगर हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर हम लोग इनके मासेस का रेशियो लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2. एक एटम का मास कितना रहता है, 1, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जितना भी हाइड्रोजन का टोटल मास है, अगर इसका रेशियो हम लोग ऑक्सीजन के मास, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना रहता है, 16. अगर हम लोग इन एटम के मासेस की रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो हमारे पास एक सिंपल सा होल नंबर आएगा. जैसे वाटर, वाटर की फॉर्मेशन में, वाटर एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये 1:8 की रेशियो में कंबाइन होते हैं. तो ये चीज़ लिखा हुआ है एटम्स कंबाइन, की जो एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो एटम्स हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे. देन देयर आफ्टर इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. तो मतलब देख लो यहाँ पे, जैसे अब हमने मान लो ये कंपाउंड पिक तो करा ही है, वाटर, पानी. पानी का सोर्स कुछ भी हो, चाहे आप अपने घर से पानी ले आइए, हम किसी नदी से ले आएँ, किसी दरिया से, किसी सागर से, हमारे घर से, किसी के भी घर से पानी ले आओ, किसी भी सोर्स से पानी ले आओ, पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. और ये जो फॉर्मूला है H2O, एंड इट इज़ डेफिनेट कि इसमें दो एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के ही होंगे, एक एटम जो है हमेशा ऑक्सीजन का ही होगा, नहीं बदलेगा ना, ना उसमें कोई एटम का काइंड बदलने वाला है, ना ही उनका नंबर बनने बदलने वाला है. अगर वाटर H2O है, वो H2O ही रहेगा, कहीं से भी ले आओ, वो चीज़ है. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी गिवन कंपाउंड में जो एलिमेंट्स लग रहे हैं, एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका नंबर और काइंड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो ये हैं 6 पोस्टुलेट किसके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के. अभी रिवाइज कर लेते हैं इसको. सबसे पहला क्या है, सारा का सारा मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स. एटम्स इंडिविजिबल हैं, इन्हें क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. इसके बाद अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके जो एटम्स हैं, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती हैं. अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात कर रहे हैं, उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी. देन नंबर 5 इज किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में
जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं. देन नंबर सिक्स इज, नंबर सिक्स क्या है कि अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसमें जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड रहेगा एटम्स का, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, वो चेंज होने वाला नहीं है. तो ये है हमारे पास डेल्टा एटॉमिक थ्योरी. आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इसकी अच्छे से तैयारी करनी है. रिविजन टाइम पे भी इसको अच्छे से देखना है. और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, दैट हम लोगों ने व्हाट्सएप पर हमारा एक कम्युनिटी, एक चैनल स्टार्ट करा है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो. उस चैनल को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि अगर कभी आप पे कोई नोट्स मिस हो जाते हैं या मतलब मान लो आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, आपको अच्छा सा स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो आपको उस चैनल में मिल जाएगा. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करी जाती है फ्रॉम ग्रेड 9 टू ग्रेड 12. तो डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एज वेल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी टैब पे जाके चेक कर सकते हो. वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है चलती रहती है, जैसे कभी क्विज हम लोग डालते हैं कई बार, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग शेयर करते ही रहते हैं. तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, सो दैट कम्युनिटी में कभी कोई पोस्ट डलती है, कम्युनिटी में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है, कोई क्विज रखा जाता है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. या फिर अगर हम लोग कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप का जो चैनल है वहाँ पे अपडेट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस कम्युनिटी में मिल जाएगी. तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. तो कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.